आज की इस जन आक्रोश सभा की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान की राजधानी जयपुर के जयपुर दक्षिण के जिलाध्यक्ष सुमान्य रामानंद जी, अभी अभी जिनकी बात आपने सुनी अपनी भाषा में, इस देश के अंदर कांग्रेस के थोते नारे और जो बेमिसाल हुकूमत 2014 के बाद जो नेतृत्व मिला हमें मोदी जी का, उनकी योजना के बारे में विस्तृत रूप से अपनी बात रखी। ऐतिहासिक टोंक और सवाईमाधोपुर के सांसद भाई जौनपुरिया जी, इस जयपुर के प्रथम नागरिक यहाँ के जिला प्रमुख रमा जी, पार्टी के प्रमुख संगठनकर्ता सरवण जी, यहाँ विराजे लक्ष्मी नारायण जी, बहन प्रमिला जी, मंच पर बैठे पूर्व प्रत्याशी भाई बैरवा जी सहित सभी पार्टी के पदाधिकारी बंधुओं, इस सभा में पिछले 3-4 घंटों से है मेरे सामने विराजित इस चाकसू विधानसभा के 54 ग्राम पंचायतों में जन आक्रोश यात्रा के साक्षी रहे पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं, शक्ति सुबह माताओं बहनों और सामने बिराजे नौजवान जोशीले नौजवानों, ये सभा आज राजस्थान के अंदर अंतिम सभा है। जन आक्रोश सभा का सिलसिला 10 तारीख को थम गया। इस चाकसू के अंदर सभा में विलंब हुआ, पर इस सभा के अंदर मैं एक परिवर्तन की लहर देख रहा हूं। भारत माता की जय। पिछले लंबे समय से स्वार्थिक जीवन में हूं, विधानसभा में हूं, चुनाव की सभा में भी जाता हूं, दूसरी सभाओं में भी आता हूं, कुछ चेहरे पढ़ने आने लगा है। आपके साफ दिखाई देते हैं, एक तो पिछली विधानसभा के चुनाव में कुछ गलतफहमियों से, कुछ कांग्रेस के झूठे वादों से किसानों ने सोचा कि कांग्रेस की हुकूमत के 10वें दिन हमारा संपूर्ण कर्जा माफी हो जाएगा, इस कर्जे के कलंक से मुक्त हो जाएंगे। नौजवानों ने सोचा नौकरी मिले नहीं मिले, हर महीने का एक समय गुजरेगा, ऑनलाइन 3500 रुपए मिलेंगे। आम आदमी ने सोचा कि इन्होंने वादा किया है कि 24 घंटे बिजली रहेगी, बिजली के दाम भी बीजेपी वालों ने बढ़ाए, उनको कम करेंगे। गांव में इन्होंने कहा कि गांव का मास्टर प्लान बनाएंगे, हर गांव में खरंजा होगा, सड़क होगी, नाली होगी, स्वाभाविक प्रकाश की व्यवस्था होगी। पशुपालकों को कहा कब आपके पशुओं का भी बीमा होगा, आसान रेट पर पशु खरीदना। उन वादों का जिक्र मैं क्या करूं जिन वादों से गुमराह होकर चाकसू के कुछ भाइयों ने पिछली बार कांग्रेस का साथ दे दिया। ये छटपटाहट भी मुझे आपके चेहरे पर दिखाई देती है, ये तकलीफ भी आपके चेहरे पर दिखाई देती है, पर इसके साथ ही आपके चेहरे पर परिवर्तन की चाह भी दिखाई दे रही है। आप मन ही मन सोच रहे हैं, ये 10 महीने का समय, 10.5 महीने का समय
ये कुराज का समय, कुशासन का समय, ये जनता के साथ जो लूट रहे हैं, ये लूट और झूठ के शासन का समय बीत जाए और एक बार फिर मतदाता के रूप में उस मतदान तक जाने का मुझे मौका मिले तो मैं वोट की चोट से इस 400 विधानसभा क्षेत्र में इस कांग्रेस को नष्ट नबूद कर दूं, इस प्रकार की इच्छा आपके चेहरे पर मुझे साफ दिखाई दे रही है। भाइयों, बहुत सी बातें मुझसे पहले वक्ताओं ने की, आज से कुछ महीने पहले मैं और डॉक्टर कृष्णलाल जी यहां मंच पर बैठे, लगभग सभी लोग थे, जिला अध्यक्ष जी थे, हम यहां एक सभा में आए थे और सभा में कोर्ट खावदा में इसलिए आए थे कि एक महाराज पूरा की बेटी बदाम यहां से निकलकर अपने ससुराल जाती है, हमारे यहां संस्कृति रही है कि अगर कोई गर्मी के अंदर कोई बहन बेटी को कोई आदमी कहता है चल बहन तेरे को छोड़ दूं तो बहन विश्वास करती है, और जिस प्रकार का कुकर्म हुआ जिसका जिक्र मुझसे पहले प्रमुख जी ने किया, सामूहिक बलात्कार, कुएं में डाल देना, और जब हम सब लोग और इस इलाके के लोग खड़े हो जाए तब 3-4-5 दिन के बाद सुशक्ति भी वो बच्ची कुएं में जिंदा मिले, उस नौ मर्चा के बाद को जब मैंने सुना देखा मन का दर्द रुका, और उसके बाद जब उसके न्याय के लिए हम सब लोग यहां सभा कर रहे थे, आपके यहां के विधायक कूद कूद कर कह रहे थे कि मैं हॉटलाइन से जुड़ा हूं सरकार से, आप इस पड़ाव को स्थगित कर दो, यहां बच्ची के परिजनों को मुआवजा भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और स्पीडी ट्रायल से 3 महीने में दरिंदों को फांसी का फंदा भी मिलेगा। आज जब मैं यहां आया हूं, मैंने रास्ते में उन विधायक जी के कई पोस्टर देखे, लिख रखा था 4 साल बेमिसाल, उनके एक मिसाल तो मुझे याद आई। आज हम लोग जो बार बार चुन कर जाते हैं इसलिए जाते हैं कि अपनी साख से अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। विधायक जी, इस अबला की ढा, इसकी तकलीफ, इसका भुगतान निश्चित तौर पर आपको करना पड़ेगा। विमेय ज्ञापन पढ़ रहा था, कामधानु गौशाला, मैं सब गौ भक्तों को उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। गौशाला का बेमिसाल काम के अंदर भी उनकी जमीन जो लूट के दम पर उन्होंने खरीदी, उस जमीन के व्यवसायिक रूप से उसके दाम बढ़ जाए, इसलिए उस कामधानु गौशाला से भी एक तरह से उस गौशाला को बंद कराने का षड्यंत्र रचने, वेद प्रकाश जी आपके नाम के आगे वेद लिखा है, हमारे तमाम वेदों में लिखा है जो गौ भक्ति करता है, गौ माता की पूछ पकड़कर वो वैतरणी पार करता है, और जो गौ माता के साथ खिलवाड़ करता है उसको दोखज में जगह नहीं मिलती। आपके भूल तिरंगा लेकर हमारे नौजवान 400 के अंदर तिरंगा यात्रा निकाले, हमारा मान और सम्मान का प्रतीक है तिरंगा, हमारा राष्ट्र ध्वज है, पार्टी का आह्वान था घर घर तिरंगा, हमारे उन नौजवानों पर मुकदमा लग जाए। यहां का सच्चो सरेआम चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, मैं समझता हूं गली गली में चोर है, ये जो इस प्रकार के लूट और झूठ की बात मैं देख रहा हूं, निश्चित तौर पर समय के बाद इसका भुगतान निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। भाइयों,
ये चाकसू एक तरह से जयपुर का उपनगर है। किस प्रकार की हालात है जयपुर के अंदर, बहन बेटियों ने सोने की चेन पहनना बंद कर दिया क्योंकि चेन स्नेचिंग रोज होती है और पुलिस आयुक्त उपदेश देते हैं कि सोने की चेन पहनती हो तो। जयपुर के गंदम में 108 वर्ष की बूढ़ी महिला के पैर से पैर का कंगन चाहिए चोरों को, डाकुओं को पैर काट के निकालने जाते हैं। जयपुर के अंदर प्रताप नगर के अंदर एक 26 साल के महेंद्र मीणा को पहले पीट पीट कर मार डालते हैं, फिर दुरुदांग अपराधी कहते हैं मजा नहीं आए, अब वीडियो बनाओ हम गोली चला के देखो उसको कैसा छलनी करते हैं, कैसा विभिन्न दृश्य है। आज किस किस की बात मैं करूं, और आंकड़े ये कहते हैं कि इस जयपुर जिले में पिछले साल से 28% अपराध बढ़े, 28% क्या हो गया हमारे इस जयपुर को। कहते हैं दुनिया का कोई भी पर्यटक दुनिया के किसी भी हिस्से से चलकर आता है, हर छोटा पर्यटक जयपुर और जयपुर के जिले में आता है। आज दहशतगर्दी की जिंदगी जीने के लिए हमारा यहाँ का नागरिक मजबूर है, और सरकार कहती है कि हमारे 4 साल बेमिसाल रहे। मैं समझता हूं जिस राजस्थान के अंदर इन सालों के अंदर 8.5 लाख लोग अपने पर हुए गुनाह के लिए एफआईआर दर्ज कराते हैं, जहां 1,61,000 हमारी बहनें कहती है कि हमारे साथ अत्याचार हो गया, पुलिस में फरियाद करती है, पुलिस के आंकड़ों में जिनको एफआईआर कहते हैं, जहां रोज 17 बलात्कार होते हैं, 7 हत्याएं होती है, 220 चोरियां होती है, और उसके बाद जब विधानसभा में जिसका जिक्र चलता है शांति धारीवाल जी खड़े होकर कहते हैं बलात्कार क्यों होता है मैं बताऊंगा, कहते हैं मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार होते हैं, और उस पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं बलात्कार करने वाला कोई दूसरा नहीं परिवार के लोग हैं। तो कैसे मुख्यमंत्री है, कैसे संसदीय मंत्री है। राजस्थान मीरा का प्रदेश है, ये राणा की शक्ति का प्रदेश है, ये पद्मिनी का प्रदेश है, जहां अपनी अस्मत के लिए धू धू करके अग्नि स्नान कर लिया, अपजोहर कर लिया, उस प्रदेश ने इस तरह की बातें। और भाइयों आज भ्रष्टाचार की भट्टी को हम जलते हुए देख रहे हैं, एक नहीं इस राजस्थान के अंदर 106 तो वो लोग जो विधायक के तौर पर सरकार के साथ है, और 94 वो लोग जिन्होंने कांग्रेस के इस निशान के साथ चुनाव लड़ दिया, मिनी मुख्यमंत्री बनकर सरकार को लूटने में लगे हैं। आज भ्रष्टाचार का तांडव है। अभी पिछले दिनों में एक सर्वे हुआ था, इंडियन ट्रांसपेरेंसी ने एक सर्वे किया 2021 के अंदर दिसंबर में, जो सर्वे हुआ उस सर्वे में 100 में से 67 लोगों ने कहा हाँ मेरा सरकारी महकमे से काम पड़ा, परंतु मुझे 67 लोगों ने कहा रिश्वत देकर अपना काम कराना पड़ा। अभी आपके सामने जिस प्रकार की हालत है, जो जिक्र किया गया प्रश्न पत्रों के लूट जिस प्रकार की है, 16 परीक्षाएं प्रश्न पत्रों के लूट के कारण रद्द हो जाए, सरकार की सरपरस्ती के अंदर आपने कल परसों अकली आज अखबारों में पढ़ा होगा, जो इस बार सेकंड ग्रेड टीचर की परीक्षा के अंदर जो मुख्य किरदार है भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, उनके मकान मालिक ने कहा कि मेरे मकान पर किराए में जो किराया देना बंद किया, मैंने कहा मकान खाली करो, तो मुझे कहा दोस्त दिखाई कि मंत्री मेरी मुट्ठी में है, संतरी मेरी मुट्ठी में है, आईएएस अधिकारी मेरी हाजिरी भरते हैं,
अगर ये मामला सीबीआई के पास चला जाए, आज वो चेहरे पे नकाब हो जाए जो राजस्थान में नौजवानों आपके अरमानों को लूटने का काम कर रहे हैं। रीट के अंदर भी लोगों ने कहा रीट का पेपर काम मिलेगा, नदी के बारे में रीट का पेपर काम मिलेगा, नदी तेरे बारे में, तुमने सही तुम्हारे में, नदी तेरे बारे में, नदी का बाड़ा क्यों पैदा हो गया। भैया मेरे पड़ोस में ये शिक्षा मंत्री जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं चूरू से हूं, वो लक्ष्मणगढ़ से है, बरसों से मैं उनको जानता हूं, पर जब वो सरकार में मंत्री बने न जाने उन्होंने उनके कुएं में कौन सा अच्छा पानी पी लिया। पहली परीक्षा हुई उनका बेटा आरएस और दूसरी बार आरएस की परीक्षा हुई इस कांग्रेस के राज में, तो बेटे की बहू भी, बेटे की बहन भी, उनका साला भी, एक घर के अंदर कुशाग्र बुद्धि पैदा हो गई, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का घर था और सारे के सारे आरएस बन गए। ये लूट नहीं तो क्या है, ये पदों की लूट नहीं तो क्या है। आज जिस प्रकार की हालत है, अभी सही कहा जोनपुरिया जी ने, इन्होंने इनको एक महिला कहती है कि लाइट आती कम है जाती ज्यादा है, कुएं के बीच में खेत के बीच में ट्रांसफार्मर के क्या स्विच लगा उसको चालू करने में मैं बीमार हो गई। ये कहानी घर घर की है भाई, क्या वादा किया था 24 घंटे बिजली मिलेगी, निर्बाध बिजली मिलेगी, बिजली के दाम कांग्रेस बीजेपी ने बढ़ाया उसको कम करेंगे, 9 बार फ्यूल चार्ज के दाम बढ़े 9 बार, बिजली की मैं इन्होंने कहा 50 यूनिट तक बिजली दो, 200 यूनिट तक बिजली के अंदर कंसेशन देंगे, नारा बांस नाबदी बांसुरी सिरे से बिजली गायब कर दी। किसानों के कर्जे की बात तो मैं क्या कहूं, आज सोहनलाल करेर और सुधाराम की वह आत्महत्या राजस्थान के अंदर, आज 18,500 किसानों की जमीन नीलाम हुई, 7,00,000 किसानों की जमीन नीलामी के नोटिस रोड एक्ट में मिले, कर्जा माफी की बात कही थी, और जिन्होंने नेशनलाइज बैंक से उस समय लोन लिया था, अशोक जी गहलोत ने कहा हमने कल्ला कमेटी बनाई है, हम ओवर टाइम सेटलमेंट करेंगे, इस सरकार की उम्र पूरी हो रही है भाइयों, आज वो कल्ला कमेटी किस अल्लाह के पास चलेगी मालूम नहीं। इसलिए मैं कहने आया हूं ये भ्रष्टाचार की आखंड से डूबी हुई सरकार, ये सरकार जिस सरकार के अंदर अब जो ये परीक्षा सेकंड ग्रेड की अब निकली है, एक मंदरपुरा हनुमानगढ़ के एक कन्हैयालाल पारिक ने आत्महत्या की, और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने पत्र लिखा अपने पिता को, कहा पिताजी मुझे माफ करना, मैं आपके अरमानों को पूरा नहीं कर पाया, ये राजस्थान की हुकूमत की सरपरस्ती में ये बार बार वीक सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, मेरा 135 बार तारीख में परीक्षा रद्द हो गई, रब एक बार फिर परीक्षा पेपर लीक हो गया, आप मजदूरी करके मुझे कोचिंग आप दिलाते हो, आप थके हारे आते हो मुझे कहते हैं बेटा मेरा अरमान पूरे कर देना, मैं अरमान पूरा नहीं कर सकता इसलिए अपनी जिंदगी छोड़ रहा हूं, कितनी दर्दनाक बात है। बेरोजगारी की बात कर लो, किसी की बात कर लो, अभी आपके पड़ोस से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, मैं समझता हूं पहले अपनी इस कांग्रेस जोड़ो यात्रा को तो देख लो, अभी आपको बहुत सही की जोनप्रिया जी ने, पिछली बार जिनको मुख्यमंत्री बनाने का सर में ताज रखने की बात कही वो जादूगर ने ताज अपने सर पर रख लिया, हमारे यहां सबके लिए मान सम्मान की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गहलोत साहब को छोटा लगा और इन्होंने बाढ़वे विधायकों से त्याग पत्र दिला दिए, बाढ़वे विधायकों का त्याग पत्र इनके गले में फांस बना हुआ है, मामला उच्च न्यायालय में है। इसलिए भाइयों मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा जिस सरकार की सरपरस्ती में हमने गोवंश
जिसका प्रबंध नहीं करा सकते। जिस सरकार ने किसानों के साथ धोखा करके किसानों की ऋण माफी के नाम पर किसानों की जमीन नीलाम कर दी, जिस सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर उनके रोजगारों को ठगने का काम किया, और जिस सरकार को लूटने में, जनता के धन को लूटने में 200 लुटेरे पैदा कर दिए, इस चाकसू के अंदर जो एमएलए साहब दम भर रहे हैं, मैं समझता हूं दम तो राउंड का भी नहीं रहा था। उसको भी जब ज्ञान दिया था मंगोत्री ने कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, उन्होंने कहा मेरे से ज्यादा विद्वान कौन है, मेरे सोने की लंका है, शिव जी का आशीर्वाद है। गलत रास्ते पर चला, लंका भी जली और दशहरन को भी करना पड़ा। मां जिस मन से कहकर जा रहा हूं, समय का चक्र घूमेगा और 10 महीने भी बीत जाएंगे और जो कम समय आएगा वे जी वेद नहीं, आप ऐसे घोड़ा पछाड़ यहां से होंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा जनता का, जनता जो सर पर उठाना जानती है, जब देखती है कि लूट और झूठ में जुटे हुए हैं तो सच से गिराना भी जानती है। आप सब लोग इस सरकार की विदाई के लिए अब आपने यात्रा के अंदर साक्षी बने, अब इस बात को गांव गांव घर घर ले जाए और सब लोग मिलकर इस सरकार को नष्ट नबूद करने में अपनी भूमिका निभाए। आप सब लोग आए मंच पर बैठे सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने शानदार यात्रा की समाप्ति में शानदार नौजवानों का आगाज महिला बहनों का इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति हुई, सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त।